देखिए, देश की 70% आबादी गांव में निवास करती है और उसके जो हमारे अन्नदाता हैं वो उसके हकदार हैं और देश की आर्थिक स्थिति में उनका अहम योगदान रहता है। आज देखिए पूरी मंडी अब भरी पड़ी है, परंतु जब किसान अपनी उपज का सामान लेकर यहाँ आता है तो उसे अपनी लागत, कई बार अपने लागत मूल्य भी नहीं मिल पाते हैं। तो किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है। किसान ये मांग करता है कि हमें कम से कम हमारा लागत मूल्य के ऊपर 50% लाभ देकर हमारा उपज का भाव तय किया जाए, परंतु न तो केंद्र सरकार उसके लिए तैयार है, न राज्य सरकार उसके लिए तैयार है। तो आज किसानों की इसी मांग को लेकर कि उन्हें MSP की गारंटी दी जाए और उनके जो उपज है उनका मूल्य बढ़ाया जाए, जिला कांग्रेस के द्वारा इसी तारतम्य में यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, इस हिसाब से यहाँ जिनसे अच्छी है बंपर आवतें होती है, कमाई के मामले में भी ये मंडी सबसे आगे है। सुविधाएँ के मामले में क्या कहना है आपको, किसानों किस तरह की सुविधाएँ मिलना चाहिए थी और नहीं मिल पा रही? देखिए, आपका कहना सही है, यह नीमच मंडी प्रदेश में एक रेट की मंडी में आती है। यहाँ पर जो धान है इसके अलावा कई औषधीय जिंस भी यहाँ पर पैदा होती है, परंतु उस हिसाब से यहाँ पर कृषि मंडी में ना कोई सुविधा है और ना कोई व्यवस्था है। यहाँ किसान परेशान होता रहता है, उसको पानी पीने के लिए जगह नहीं मिलती। हमारे यहाँ पे पानी रखा हमने तो किसान आके पी रहा है, यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, उसको खाने की व्यवस्था नहीं है, उसकी सुरक्षा नहीं है। और जब वो अपनी उपज बेच कर जाता है तो व्यापारी वर्ग उन्हें 5 बजे 6 बजे तक पेमेंट नहीं देते हैं, जिससे वो परेशान होता है। तो यहाँ कई अनियमितता है, वो दूर होना चाहिए।